करूंगा, मैं हूँ आपके साथ वादिशा। इन दिनों भारत में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चली है और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो भारत में उनकी लहर कुछ अलग ही है, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है नरेंद्र मोदी की, क्या उनकी लहर मध्य प्रदेश में रंग लाएगी, उसी विषय पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है मीडिया प्रभारी और मीडिया प्रवक्ता भाजपा की ओर से अपना पक्ष रखने वाले आलोक दुबे जी। बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार। जैसा कि चुनावी सरगर्मियां तेज हो चली है, भाजपा की ओर से रणनीतियां बनती है, चुनावी घमासान इन दिनों काफी चल रहा है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो क्या लहर है नरेंद्र मोदी की मध्य प्रदेश में? मोदी मोदी और सिर्फ मोदी, एक विश्वास का नाम है मोदी, देश में प्रगति और सिद्धांत का नाम है मोदी, राष्ट्रवाद की प्रतिकृति है नरेंद्र मोदी, युवाओं की आशाओं का केंद्र है नरेंद्र मोदी, बहन बेटियों के सम्मान का प्रतीक है नरेंद्र मोदी और राष्ट्र के विश्वास का प्रतीक है नरेंद्र मोदी। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उस व्यक्तित्व के मालिक है जिसने इन 5 वर्षों में भारत को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया, न सिर्फ आर्थिक विकास, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचनागत विकास, सड़क, पेयजल और साथ साथ ग्रामीण विकास के मामले में भारत एक ताकत के रूप में दुनिया में उभरा है। आज हम विश्व की शक्तिशाली आर्थिक व्यवस्थाओं में से एक हैं, विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक बन चुके हैं। ये कैसे संभव हुआ? ये सशक्त और मजबूत नेतृत्व जो नरेंद्र मोदी जी का है उसके चलते संभव हो पाया। रही बात कांग्रेस की, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास ना उम्मीदवार है, ना कोई नेता है, ना कोई नियत है। आप देख ही रहे हैं किस प्रकार कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री या हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बिल्कुल परेशान से दिखते हैं। उनके विधायक उन पर लगातार पत्रकार वार्ता लेकर मीडिया के बीच आरोप लगा रहे हैं, कमलनाथ जी सरकार असफल हो गई, ये खुद कांग्रेस के विधायक ने कहा है। 5 से 7 विधायक ऐसे हैं जो सरकार को सरेआम धमकी दे रहे हैं, लेन देन का खेल चल रहा है, सुबह धमकी देते हैं, शाम को कमलनाथ जी से मिल लेते हैं और कहते हैं कि अब सब शॉर्ट आउट हो गया है। आखिर ये शॉर्ट आउट क्या हो रहा है? 2-2.5-2.5 करोड़ रुपए के नोट उनके परिचित और साथियों के साथ कैसे निकल कर आ रहे हैं? आखिर क्या हो गया कि इन 4 महीनों में इतना बड़ा उद्योग धंधा खुल गया कि 2-2.5 करोड़ रुपए के नोट निकलते हैं छापों में? ये कोई छोटा मोटा भ्रष्टाचार नहीं है साहब, ये कमलनाथ सरकार की वो नीति है जिसने पूरे मध्य प्रदेश को आज प्रश्न चिन्हित कर दिया है कि सरकार का कोई उपयोगिता है भी कि नहीं। तो मध्य प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी जी को रोल मॉडल मानकर, कमल के फूल को अपना चुनाव चिन्ह मानकर चुनाव लड़ रही है। मध्य प्रदेश की जनता का चुनाव है और वो स्वयं लड़ रही है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। लेकिन सर मध्य प्रदेश की बात करें तो विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के हाथों सीट नहीं हासिल कर पाए थे भाजपा की ओर से, क्या मोदी लहर मध्य प्रदेश में इस बार काम आएगी? विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की एक्सीडेंटल सरकार आई है साहब, मतदान में हमें 1% वोट ज्यादा मिला है, लेकिन उनकी एक्सीडेंटल गवर्नमेंट बन गई। वो इसलिए बनी कि कुछ क्षेत्रों में कांग्रेस ने यह भ्रम फैला दिया कि वो किसान को 2 लाख रुपए सरकार बनते से ही 10 दिनों के अंदर देगी। राहुल बाबा ने मध्य प्रदेश में आकर घोषणा करी कि 1 से लेकर 10 तक गिनती करता हूं, 10 दिन के अंदर अगर किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। आज 5वां माह चल रहा है मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार का, किसी किसान का 2 लाख रुपए कर्जा माफी नहीं हुआ है साहब, किसान त्राही त्राही मचा रहा है। और जो उसे खाद बीज के लिए सब्सिडी मिलने वाला लोन था वो आज कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं दे रही है। जिन किसानों ने पैसा इसलिए नहीं भरा कि उसे 2 लाख रुपए मिलने वाला है, वो 2 लाख रुपए न भरने वाले किसान डिफॉल्टर हो गए और उन्हें आगे लोन नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर एक खतरनाक स्थिति मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र में है। जो बिजली उन्हें मिलती थी पर्याप्त, आज बिजली कटौती आम बात है, मोटरें ट्रिप हो के जल रही हैं साहब, किसी मोटर की दुकान पे तो जाकर देखो जहाँ वाइंडिंग होती है, किसानों की मोटरों की लाइन लगी हुई है, ना वो पानी दे पा रहे हैं, ना वो खाद दे पा रहे हैं, ना वो बीज दे पा रहे हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है किसान। युवाओं को बोला कि 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे,
जो बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहते थे उन्हें लगा कि स्टाइफन के रूप में हम अपनी शिक्षा में 4,000 रुपए का उपयोग करेंगे। कहाँ गया वो 4,000 रुपया? किसी एक युवा का नाम बताओ मध्य प्रदेश में जिसे 4,000 रुपए मिले हो। स्वयं सहायता समूह के कर्जे माफ होंगे ये कहा था कमलनाथ सरकार ने, हुए क्या? न किसी किसान के 2 लाख का कर्जा माफ हुआ, न किसी विद्यार्थी को 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिला, न किसी स्वयं सहायता समूह के कर्ज माफ हुए। आखिर आप बताइए कि कमलनाथ सरकार ने किया क्या, और अगर किया क्या तो सिर्फ एक काम किया, और वो किया तबादला उद्योग। और ये तबादला उद्योग कोई छोटा मोटा उद्योग नहीं था, एक एक अधिकारी के 6-6, 7-7 ट्रांसफर 1 से 1.5 महीने में हुए। जो जैसी बोली लगाता वैसा ट्रांसफर निरस्त हो जाता, फिर रात को फिर ट्रांसफर हो जाता। एक व्यक्ति के एक अधिकारी के 7 ट्रांसफर हुए और 7 बार निरस्त हुए। इससे बड़ा मजाक मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में नहीं हुआ कि 1.5 महीने के अंदर एक व्यक्ति के 7 ट्रांसफर हुए, 7ों निरस्त हुए। इधर ट्रांसफर, उधर ट्रांसफर, इधर ट्रांसफर लिस्ट, और पुलिस प्रशासन तो साफ मजाक बन के रह गया। अभी एक दलित की हत्या कर दी गई गांधीनगर थाने में पीट पीट के। अरे आम जनता को परेशान करके 8-8 घंटे चेकिंग करने वाली पुलिस, एक गरीब संजू दलित परिवार का बहुत ही गरीब संजय नाम के युवक को पीट पीट कर मार दिया गया, और कोई जवाबदेही नहीं साहब। ना मुख्यमंत्री की कोई जवाबदेही, ना कांग्रेस के मंत्रियों की कोई जवाबदेही। किसी को भी मार दोगे, कुछ भी करोगे, किसी का भी तबादला करने की धमकी दोगे। कांग्रेस के नेताओं के वीडियो आपके माध्यम से हमारे बीच में आ रहे हैं, पुलिस अधिकारियों को कैसा धमकाया जा रहा है कि तुम्हारा बालाघाट ट्रांसफर करा देंगे। अगर वो सिर्फ ये कहता है कि आप मोबाइल चलाते हुए गाड़ी क्यों चला रहे, वो ये पूछता है कि आप अपने लाइसेंस के कागज बता दीजिए, और पुलिस को सरेआम धमकी दी जा रही है, तो पुलिस व्यवस्था को चरमरा दिया है कांग्रेस की सरकार ने। यही स्थिति कमाबोश पूरे सरकारी तंत्र के है, लोग परेशान है, त्राहिमाम मचा हुआ है। इस कमलनाथ सरकार के लिए बहुत बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस लोकसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार स्वतः अंतर विरोध से गिर जाएगी। उसी के विधायक उसके विरोध में खड़े, बहुजन समाज पार्टी के विधायक ने कह दिया कि कमलनाथ जी से हमारा कोई लेना देना नहीं, कांग्रेस से हमारी कोई वैचारिक मेल नहीं। समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम कांग्रेस को अपना नहीं मानते। जो लोग को कांग्रेस अपना कहती है वो स्वयं कह रहे हैं, खुद कांग्रेस के 6 विधायकों ने प्रश्न चिन्ह उठाए हैं कांग्रेस की इस सरकार। सर जी, सर आपने एक तरफ रोजगार की बात करी, तो सबसे बड़ा इन दिनों सवाल चल रहा है कि कांग्रेस सरकार के आने के बाद से अपराध लगातार बढ़ रहा है और महिला सुरक्षा कम होती जा रही है, क्या कहना है उसको लेकर? देखिए, अपराध और महिला सुरक्षा तो विषय है ही, लेकिन मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से केंद्र सरकार ने स्टार्टअप योजना के अंतर्गत लाखों युवाओं को रोजगार दिया है, और देश में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दृष्टि से सड़क निर्माण की कुल किलोमीटर प्रति वर्ष की गति है वो 6 गुना बढ़ी है। 6 गुना बढ़ने से मजदूरों को रोजगार की स्थिति उत्पन्न हुई है। चारों ओर निर्माण कार्य केंद्र सरकार के माध्यम से चल रहे हैं। युवाओं को बढ़ने के लिए युवा उद्योगपतियों को 45 मिनट में लोन के लिए क्लियरेंस मिल रहा है, छोटे 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 उद्योगपतियों को, छोटे छोटे व्यापारियों को। और भारतीय जनता पार्टी की तो जो आगामी कार्य योजना है, जो हमने हमारे संकल्प पत्र में दोहराई है कि हम छोटे छोटे व्यापारियों के लिए पेंशन की चिंता कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज मैं भारत के इतिहास में बताना चाहूंगा, जो आयुष्मान योजना का विस्तार करने जा रही है हमारी केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, वो आयुष्मान योजना देश के प्रत्येक जिले में एक एक एम्स जैसा हॉस्पिटल हम बनाने जा रहे हैं। जब हमारी चिकित्सा सुविधा इतनी सस्ती और इतनी सुलभ हो जाएगी कि हर परिवार अपने ही जिले में जाकर अपना इलाज करा सके। जो लोग आज भटकते हुए इंदौर आते हैं, कोई अलीराजपुर से, कोई झाबुआ से, कोई टांडा से, कोई भाग से, कोई मेघनगर से, आज बड़वानी से, उन लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। उन्हें श्रेष्ठतम चिकित्सा सुविधाएं उन्हीं के जिले में मिलने लगेंगी। ये सोच नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का है। जी सर, इंदौर की बात करें तो इंदौर के मैदान में भाजपा की ओर से ताई भाई और साई उतरे हैं। क्या ताई और भाई का समर्थन साई को जीत दिला पाएगा? क्या लगता है, एक नए चेहरे के साथ शंकर लालवानी को इंदौर में उतारा गया, क्या लगता है आपको जीत हासिल कर पाएंगे भाजपा पार्टी? देखिए, शंकर लालवानी जी को आप नया चेहरा मान सकते हैं, पर शंकर लालवानी जी इंदौर के लिए कोई नया चेहरा नहीं है। शंकर लालवानी जी पार्षद रहे, जनकार्य समिति के प्रभारी रहे, जब कैलाश विजयवर्गीय जी
महापौर थे और इंदौर की नगर निगम को यह गौरव आया कैलाश जी और शंकर जी की जुगल मंदी से कि पहला आरओबी रेल ओवर ब्रिज शंकर जी के जनकार्य कार्यकाल में बना। इंदौर की चौड़ी सड़कों की जो आज आप देखते हैं, जिन सड़कों से गुजरते हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चालू हुए, जन सहयोग जैसा विषय शंकर लालवानी जी के जनकार्य समिति के कारण में प्रारंभ हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी के नगर मंत्री से लेकर नगर अध्यक्ष रहे और इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने बहुत ऐतिहासिक काम किया है। शंकर लालवानी जी ने संस्कृति जागरण को लेकर, हमारी मालवा को लेकर, मालवा उत्सव के माध्यम से मालवा की संस्कृति को देश में पहुंचाया। हमारी बहन बेटियां जब उपास रखती है तो लोक संस्कृति मंच के माध्यम से राजबाड़े पर जो लाठी चालन और रात भर का जागरण चलता है, रतजगा चलता है, ये लोक संस्कृति मंच करती आई है। लालवानी जी ने न सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में काम किया बल्कि उन्होंने सांस्कृतिक, सामाजिक और रचनात्मक काम इतने किए हैं कि उनकी एक अलग छवि है। कैलाश जी और ताई भारतीय जनता पार्टी का वो स्वरूप है जो कमल के फूल को अपना आदर्श मानते हैं, जो दीनदयाल उपाध्याय जी को अपना वैचारिक मजबूती मानते हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जी जैसे नेताओं को अपना आदर्श मान के काम करते हैं। तो हमारा काम सिर्फ विकास है, हमारा काम सिर्फ हमारी संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण के साथ साथ तेजी से आगे बढ़ने का रोड मैप बने, और शंकर लालवानी जी, आदरणीय ताई जी, आदरणीय कैलाश जी, ये सब इसी लक्ष्य को लेकर काम करते हैं और इन्होंने काम किया है। और हम सबका विश्वास है, शहर का विश्वास है कि शंकर लालवानी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में ऐतिहासिक वोटों से जीतकर फिर इंदौर को तेजी से विकास की पटरी पर ले जाएंगे। सर, जिस तरह एक बयान आया है कांग्रेस के शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी का कि 25 लाख लो और वोट दो और जिम बना के देंगे जीतू पटवारी, क्या लगता है? बहुत जोरों से वीडियो वायरल हो रहा है और जीतू पटवारी ने ये बयान दिया है कि 25 लाख लो और वोट दो, क्या कहना है? हताशा, निराशा, घबराहट, डर, ये कांग्रेस के चेहरे से झलक रहा है। उसके मंत्री पैसे का प्रलोभन दे रहे हैं और मैं तो धमकी भी मानता हूँ। किसी गांव में जाकर अगर आप कहते हैं कि हमें वोट नहीं मिला तो हम 25 लाख नहीं देंगे, कि कैसी संस्कृति कांग्रेस लेकर आई है मध्य प्रदेश में? चुनाव लड़ने को तुम्हारे पास कोई नेता नहीं है, चुनाव लड़ने को तुम्हारे पास कोई नीति नहीं है, तो आज जनता को लालच और धमकी दे रहे हैं, ये कांग्रेस का चरित्र है? कांग्रेस के मंत्री दे रहे हैं, कांग्रेस का प्रत्याशी वहां बैठकर मौन सहमति दे रहा है? कुल मिलाकर इस पूरे परिदृश्य को देखें तो कांग्रेस की हताशा और पराजय सामने दिखाई दे रही है और डर के मारे वो इस तरह की गलतियां कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। वो करें के साथ वो तो उनके पास कुछ है क्या? वो क्या क्या बोलेंगे क्या? वो क्यों जनता उनको वोट दे, क्यों जनता उनका समर्थन करे, क्यों जनता उनका साथ चले, जब उनको पता है कि हमारा हारना तय है? तो जनता को प्रलोभन, डराना, धमकाना, धमकी देना, यही काम तो कांग्रेस करती आई है, यही कांग्रेस का मूल चरित्र है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के किसी कृत्य को सफल नहीं होने देगी। हम जनता के बीच में, जनता की अदालत में इन मुद्दों को लेकर जाएंगे और जनता हमारे साथ खड़ी होगी, इस बात का हमें विश्वास है। तो ऐसी शख्सियत से हम आपको हर रोज मिलाते रहेंगे। आप देखते रहिए ghamasan.com। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।